वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह जो वीडियो लेके आया हूँ, इसका मोटिव ये नहीं है कि सुबह सुबह मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाऊँ, इसका मोटिव यह है कि सुबह सुबह मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम्स नेवी एमआर का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, आप लोग उसके लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि देखिए ये मौका हर कोई को नहीं मिलता है, ये भी याद रखिए। ये दुख उनसे पूछिए जिनका ओवर एज हो चुका है, जो नेवी एग्ज़ाम्स अब नहीं दे सकते हैं, वो लोग आपको बताएंगे जिसके अंदर नेवी में जाने का जुनून था बट ओवर एज के कारण वो जा नहीं सके। एंड आपके पास वो एज अभी है, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप मौके का फ़ायदा उठाए, ना कि यदि आपसे ये मौका छटक जाएगा तो आप उस समय अपने आप को मतलब गिल्टी महसूस कीजिएगा कि मेरे पास जब वो मौका था तो मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए। तो आप लोगों को वो मौका नहीं देना है खुद को कि बाद में आप वो बोल सकें। यदि आपने तैयारी अच्छी की है तो और अच्छी करें, यदि आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट करें, पिकअप लाइए तैयारी में, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए आप लोगों जानते होंगे कि 400 लड़के डायरेक्ट मेरिट में बनते हैं फाइनल मेरिट में। तो देखिए 1200 लड़के एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, 1200 से 1250 या 1300 हो सकते हैं क्वालिफाई करें। याद रखिए वो बच्चे वही होंगे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो जिन्होंने प्रैक्टिस यानी पढ़ाई की है, वो बच्चे कभी क्वालिफाई नहीं करेंगे जो एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम डेट आने का पहले एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं। बच्चे क्वालिफाई वही करते हैं जो 1.5 महीने 2 महीने 2.5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि कोई एडमिट कार्ड आने का बाद या एग्ज़ाम डेट आने का बाद या फॉर्म भरने का बाद यदि वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे, और यदि फॉर्म भरने के बाद 1 महीना बाद यदि आपका एग्ज़ाम पड़ जाए या 15 दिन बाद, तो क्या वो लोग जो 2.5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 15 दिन प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिएगा, तो वो लोग जो 2.5 महीने से कर रहे हैं वो तो बेवकूफ़ है नहीं, जो कि 2.5 महीने से उसमें लगन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास एक अभी चांस है, तो आप उस चांस को भुनाइए, वरना जब ओवर एज हो जाइएगा बाद में आप खुद को गिल्टी महसूस करिएगा कि जब मेरे पास मौका था तो मैंने किया नहीं, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता। मन की कोई बात नहीं है, आपको इंटरेस्ट लाना होगा पढ़ाई में, ओनली इंटरेस्ट, मन से कुछ नहीं होगा। आपको आँख बंद कीजिए तो आपको भी ऐसी छवि आनी चाहिए, ये सेलर्स की तरह आपको भी नेवी में ज्वाइन करना है, देखिए ये लोग नेवी में हैं तो आपको इनकी छवि याद आनी चाहिए। सोचिए कि मैं यदि मुझे भी यहीं होना चाहिए, आप सोचिए कि अगले 6 महीने के बाद मैं भी ऐसा ही ड्रेस पहनूं, 6 महीने साल भर में मुझे भी ऐसा ड्रेस एंड ऐसा टोपी हाथ में लेना है। बस जुनून इसी चीज़ का रखिए और कोई चीज़ का नहीं। ज्वाइन करनी है हर हालत में करनी है, चाहे मुझे 12 घंटे क्यों ना पढ़नी पड़े, 12 घंटे 13 घंटे पढ़नी पड़े, एग्ज़ाम के लास्ट 15 दिन 17 दिन 13 घंटा 12 घंटा करके पढ़िए, बट आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है तो करनी है। आप लोग बस ये जुनून रखिए, याद रखिए जो बंदे मेडिकल में अनफिट हो के भी दोबारा यदि प्रिपरेशन करते हैं तो उन पहले डीमोटिवेट कितने रहते हैं कि मैं मेडिकल अनफिट हो गया, दोबारा प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ, और यदि वो दोबारा प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्लियर कर लेते तो सोचिए उनकी क्या मन खुशी होगी। यदि आप यदि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी जो नाम होगी वो अलग, एंड आपका जो खुद का गर्व महसूस होगा वो अलग, आपके माता पिता को गर्व महसूस होगा वो अलग, आपके गांव को गर्व महसूस होगा, दोस्तों को गर्व महसूस होगा, आपके दोस्त बोलेंगे कि मेरे दोस्त है, मेरा जो दोस्त है वो इंडियन नेवी में सेलर है, इंडियन नेवी में है, इंडियन नेवी में एज ए सेलर है, शिपमैन है, कुछ भी है, इंडियन नेवी में है। इंडियन नेवी एक नाम, एक ब्रांड है, समझिए आपको देश का सेवा करने का मौका मिलेगा इतनी कम उम्र में, आपको ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है डिफेंस ज्वाइन करने का। तो अपने माँ पापा के सपनों को रोशन कीजिए, आपको मौका मिला है तो उस मौके को भुनाइए और प्रिपरेशन करते रहिए। मैंने आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स ला चुका हूँ, जो कि आप देख लीजिए YouTube में कोई कराने वाला। यदि आपने एग्ज़ाम पहली कभी दिए हैं तो आपको पता होगा कि मेरे प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम
क्वालिफाई कराने की ही स्ट्रेटेजी है। आप देखे होंगे कि जो चैनल 1.2 लाख सब्सक्राइबर है, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, वो लोग की क्लासेस से मेरे क्लासेस को कंपेयर कीजिएगा किसके क्लासेस बेस्ट है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए वो लोग पहले से हैं, जब उस समय YouTube में कम बंदे थे तो उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है। यदि आप सब्सक्राइबर्स देख के पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए जो वो लोग हैं, वो लोगों के पास मैं इतना देखा हूँ अभी तक भी नॉलेज की कमी है बहुत सारे चीज़ों के। देखिए ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छे नहीं पढ़ाते, पढ़ाते हैं, पर जो एक कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए वो नहीं करा पाते हैं। पहली बात, कॉन्सेप्ट क्लास साइंस के एक या दो जो इजी चैप्टर्स हैं उन्हीं का देते हैं, बाकी चैप्टर्स का नहीं देते हैं। आपको क्वेश्चंस के नाम पे डेली 15-20 क्वेश्चंस कराते हैं। यदि आप मेरे साथ हैं कम से कम, तो मैं एक दिन में कम से कम 75 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस ज़रूर कराता हूँ टॉपिक से। साइंस का पढ़ाता हूँ तो कभी सुबह टेस्ट लेता हूँ तो शाम को कमर तोड़ कराता हूँ 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 75 क्वेश्चंस एक दिन में कराता हूँ, और कोई एक दिन में 15 क्वेश्चंस कराता है, तो आप सोचिए सिलेक्शन कहाँ से होने वाला है, ठीक है। और मैं आप लोगों के तरह ही, मैंने भी डिफेंस नेवी की प्रिपरेशन की है और 3 बार रिटर्न क्वालिफाई किया हूँ, तो आप लोग जिस स्टेज में हैं मुझे पता है, मैं भी उस स्टेज में कभी था, तो मुझे पता है कि आप लोगों की माइंड में क्या है अभी। मुझे भी उस समय एकदम ही ऐसा लगता था कि प्रिपरेशन करने का मन नहीं करता था, बट किया क्या जाए, प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे आप लोग यदि अभी कोई कारण से नेवी नहीं ज्वाइन कर सकते, तो बहुत कोई इसमें आर्मी में जाने की सोचेगा, आर्मी आपका इसके बाद प्रेफरेंस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अब आर्मी ही आपके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। तो आर्मी भी इतनी आसान नहीं है, आर्मी में आपको रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 5 मिनट 15 सेकेंड, जिसके लिए आपको कम से कम 6 से 7 महीना रनिंग में मेहनत करनी है। तो रनिंग से अच्छी है आपकी पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई आपको घर में बैठ के करना है, रनिंग आपको जाके ग्राउंड में पसीने पानी के तरह बहाने होंगे, तभी आप जाके क्वालिफाई कीजिएगा। रनिंग करने में बहुत मेहनत है, बट पढ़ाई करने में मेहनत नहीं है। पढ़ाई घर में आप पंखे के नीचे बैठ के कर रहे हैं, रनिंग आपको धूप में, बरसात में, सब टाइम आपको रनिंग करना है। और आप यदि यहाँ से क्वालिफाई करते हैं तो आपको बस पढ़ाई की ज़रूरत है, रनिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो अभी से भी आप लोग पूरे मन से, तन से, लगन से प्रिपरेशन करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, मैं आपको हमेशा साथ दूँगा। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बोले कि मैं उसके रिप्लाई एंड उसका जो बातें नहीं बताता हूँ। तो यह आपके लिए मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताया, एंड आप देख लीजिए कि आपको प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। कोई कोई बंदा 1-2 वीडियोस देखता है, उसी में वो डिसाइड कर लेता है कि ये चैनल तो अभी न्यू है, ये चैनल न्यू है तो यही चैनल सिलेक्शन भी दिलाएगा आपका। क्योंकि मैं खुद 3 बार यदि क्वालिफाई किया हूँ तो मुझे पता है क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, क्या आपको बताना है, किस तरीके से बताना है, कितने प्रैक्टिस सेट्स करवाना है। प्रैक्टिस सेट ही देख लीजिए, टोटल समथिंग 40 प्रैक्टिस सेट्स हो गए हैं। आप पूरे किसी के 2 सेशन भी कंपेयर कीजिए तो उससे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स मैंने करा रखा है। क्वेश्चंस कितने करा रखे हैं, टॉप 300 अभी लूसेंट करा रखा है, 200 बाकी है, देन मैंने टॉप 1000 लूसेंट कराया है, टॉप 200 लूसेंट कराया है, इतना करा चुका हूँ। कमर तोड़ स्टार्ट किया है जिसमें 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखिए कितने क्वेश्चंस मैंने करा चुका है। टेस्ट में टोटल 700 क्रॉस करा चुका हूँ, 700 प्लस क्वेश्चंस करा चुका हूँ, इतने क्वेश्चंस कोई नहीं कराता है। फिर मैंने महाकुंभ का 2 क्लास दिया हूँ, वैसे ही क्लास देके आपके सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लास जो कराया हूँ, आप देखिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लास एंड साइंस का सब मिला के 90% फिजिक्स साइंस का कॉन्सेप्ट क्लासेस करा चुका हूँ, 10% में 2 चैप्टर बाकी है, तो वो मैं जब भी करा सकता हूँ, बट आपको टाइम दे रहा हूँ कि रिवीजन आप लोग कर लीजिए, और कुछ नहीं है। तो आई होप मुझे आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, एंड जो आपके पास मौके हैं उस मौके को आप भुनाइए, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। बाद में पछताना एकदम ख़राब लगता है, आप लोग बाद में सोचे कि उस समय यदि मैं थोड़ी सी कोशिश करता, मैंने सर की बातें मानी होती, तो आज मैं इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया होता। आजकल कोई कोई लड़के इतने मोटिवेटेड है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको मैं बता नहीं सकता। 2-4 बंदे ऐसे हैं
कि वो वीडियोस को काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिए हैं और डेली वीडियोस देखते हैं और सेल्फ स्टडी भी करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ वीडियोस देखें, सेल्फ स्टडी वैसा ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया है 3 से 4 घंटा डेली सेल्फ स्टडी कीजिए, देन 1-2 घंटा वीडियोस देखिए, जिन खाली समय में वीडियोस देखिए जब आपको खाली समय मिलता है, बट सेल्फ स्टडी भी करें। बस यही बताना था। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपके पास अभी मौका है। यदि आप एक बार ओवर एज हो जाएँ तो आपको कैसा लगेगा मुझे पता है। तो मैंने भी जब लास्ट चांस था मेरा 2 फरवरी वाला में, तो मैंने जी जान लगा के प्रिपरेशन की थी, रिटेन MR SSR दोनों क्वालिफाई कर लिया हूँ, PFT मेरी बाकी है, तो बस वो PFT में मुझे देना है। तो आप लोग अपना अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आप लोगों को भी रिटेन क्वालिफाई करना है। मैं चाहता हूँ जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनके नेवी के रिटेन क्वालिफाई 100% हो, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनका रिटेन क्वालिफाई होगा ही होगा, यदि वो मन तन लगन से पूरी प्रिपरेशन झोंक दे रिटेन के लिए तो उनका सिलेक्शन 100% है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आई होप मुझे मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी, एंड आप यदि प्रिपरेशन नहीं करें तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एंड हाँ 1-2 वीडियोस देख के किसी को डिसाइड ना करें, एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, नहीं तो सिलेक्शन पाना मुश्किल है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।